हेलो गाइस, नमस्ते और सिर्फ यंग आर्टिस्ट के गिटार चैनल पर वेलकम बैक। आज हम किशोर कुमार सर का एक बहुत ही फन, एनर्जेटिक एंड आइकॉनिक गाना लाए हैं। गाने का नाम है मेरे सपनों की रानी। बस चार कॉर्ड्स हमें चाहिए, बेसिक कॉर्ड्स हैं, एंड आज हमें केपो की भी ज़रूरत लगने वाली है। तो केपो बेसिकली ये चीज़ है जिसके थ्रू हम अपनी गिटार की बेसिकली स्केल चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा उसके बारे में आपको नहीं सोचना है, आपको बस ये समझना है कि ये चीज़ को अगर हम गिटार की नेक पर लगाते हैं तो गिटार की साउंड चेंज हो जाती है, और इसके थ्रू हम कई कई अलग गाने भी बजा सकते हैं सेम कॉर्ड्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो आपको ये वाले केपो को लगाना है अपनी फर्स्ट फ्रेट पर। थोड़ा ध्यान से लगाना है इसको, आपको ऐसे लगाओ कि पूरी हर एक स्ट्रिंग जब मैंने लगा लिया क्लियरली बजनी चाहिए। वाह, ठीक है। तो ये ऐसा आपको एक बार टेस्ट करना है केपो लगाने के बाद। कभी कभी आधी बजती आधी नहीं बजेंगी तो फिर इट वॉन्ट साउंड गुड आपके गाने के अंदर। तो चलो गाइज, लेसन शुरू करते हैं। इस लेसन में आपको मेन तीन पार्ट्स मिलने वाले हैं। कॉर्ड सब तीनों पार्ट की सेम होने वाली है, थोड़ी सी सीक्वेंस अलग होगी, और स्ट्रमिंग पैटर्न भी इसमें काफ़ी ईजी है। हम इस पर सिर्फ डाउन अप वाला स्ट्रमिंग पैटर्न करने वाले हैं, क्योंकि ये गाने में काफ़ी जच जाएगा। बजाने में भी ईजी है, आप इसके साथ बजाते बजाते गा भी सकते हो, काफ़ी मज़ेदार गाने। हमारी फर्स्ट कॉर्ड होने वाली है हमारी ए माइनर वाली कॉर्ड। ठीक है, तो उधर से शुरू कर रहे हैं हम। मेरे सपनों की में हम ए माइनर कॉर्ड बजाएंगे अपना, जैसे हम रानी बोलते हैं उस टाइम हम अपनी जी कॉर्ड पर आ जाएंगे। ये हमारा जी ओपन कॉर्ड का शेप है, और फिर कब आएगी तू पे हम फिर वापस आ जाएंगे ए माइनर पे। तो स्ट्रमिंग पैटर्न के साथ कुछ ऐसा लगेगा, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। राइट, मैंने इसको स्लो मोशन में करके दिखाया तो गाने का फील अभी नहीं आ रहा होगा, बट डोंट वरी, बस स्ट्रमिंग पैटर्न आप इसको प्रैक्टिस करो। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप ऑन जी, फिर ए माइनर के ऊपर भी डाउन अप डाउन अप। अब ये टाइप का जो हमारा चेंजेस थे ना इस पे, जैसे हम ए पे थे फिर जी पे थे फिर वापस ए पे आ गए, ये टाइमिंग आपको याद रखनी है। तो सेकेंड लाइन को देखते हैं, आई रुत मस्तानी में हम ए माइनर पे रहेंगे। एक्चुअली आई रुत मस्तानी जो वर्ड है ना, उसके हाफ टाइम पे हम स्विच करने वाले, तो आई रुत मस्तानी पे हम जी पे जा रहे हैं। कब आएगी तू पे हम, पिछली बार हमने फर्स्ट लाइन में ए माइनर पे गए थे, इस बार आपको एफ कॉर्ड पे जाना है, कब आएगी तू। राइट, एंड लास्ट वाली लाइन जो है, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, तो उसमें भी सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, ए शार्प माइनर से शुरू हो रहा है। बीती जाए जिंद गानी के टाइम पे हम आने वाले हैं जी पे, कब आएगी तू पे हम आने वाले हैं अपनी सी मेजर कॉर्ड पे। ठीक है, और फिर लास्ट जो हमारी लाइन है वो है चली आ ओ तू चली आ, तो फिर चली आ पे हम करेंगे सी टू जी, तो हम करेंगे ऐसे चली आ ओ, फिर जब ओ बोल रहे गाने में तब फिर हम जी बजा रहे हैं, लास्ट में फिर अब तू चली आ जैसे बोलते हैं, तो उस टाइम पे हम वापस ए माइनर पे आने वाले हैं। तो ये वाला पार्ट मैं आपको एक बार स्टार्ट टू फिनिश बजा के दिखाता हूँ, आपको कम से कम स्ट्रमिंग का आइडिया मिलेगा और गाने का जो रिदम है उसका फ्लो है वो भी आपको थोड़ा अच्छे से पता चलेगा। ये था हमारा मेन पार्ट गाने का, जो मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो वो वाला पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट जो हम देखने वाले हैं, इस गाने का ओरिजिनल गाने की बात कर रहा हूँ मैं, किशोर कुमार सर का जो ओरिजिनल गाना है, उस गाने में बीच में एक म्यूज़िक का पार्ट आता है जिसमें काफ़ी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं, तो वो वाले पार्ट पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन उसको आपको अपने परफॉर्मेंस में इंक्लूड करना होगा। तो आप कुछ ऐसे कर सकते हो, आपको ए माइनर कॉर्ड पकड़ना है, कॉर्ड बिल्कुल सेम है आपकी, और आपको आर्पेजियो बजाना है। आर्पेजियो का मतलब क्या है, आर्पेजियो बस फैंसी वर्ड लगता है लेकिन करने में बहुत ईजी है। मतलब यही है कि कॉर्ड जो हमने पकड़ा हुआ है उसके नोट हम वन बाय वन बजाने वाले हैं, तो कॉर्ड ऐसे बजाते हैं और आर्पेजियो कुछ ऐसे बजाते हैं। तो इसके आर्पेजियो कुछ आप ऐसे बजा सकते हो, और फिर उसके बाद एक स्ट्रम दे देना, और इसको आप एक दो बार बजा सकते हो,
ऐसा कुछ फील लाने की कोशिश करो, 1 2 3 4 5 वाला, ऐसा कुछ 1 2 3 4 5 एंड देन फिर स्ट्रम डाउन, अप स्ट्रम भी कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 एक और बार, 1 2 3 4 5 राइट। और इसके बाद हम अपने मुखड़े पे जाने वाले हैं, गाने के जो मुखड़े हैं, और हर एक मुखड़े में कॉर्ड्स सभी सेम यूज की गई हैं, तो एक मुखड़ा आप सीख जाओगे तो बाकी गाना आप, मतलब बेसिकली पूरा गाना आप सीख जाओगे। तो देखते हैं, इसमें कॉर्ड्स बिल्कुल सेम है, बस हमें अपनी ए माइनर और जी कॉर्ड का इस्तेमाल करना होगा। मुखड़े में स्ट्रमिंग पैटर्न आप कुछ ऐसा यूज कर सकते हो, डाउन करके थोड़ा सा ऐसे पॉज देना और फिर डाउन अप एक बार मार सकते हो ऐसा, तो कुछ ऐसा होगा, प्यार की गलियां, फिर बाग की कलियां, दोनों लाइनों में ए माइनर कॉर्ड का ही इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और फिर सब रंग रलिया में हम अब जी पे आने वाले हैं, और स्ट्रमिंग पैटर्न सेम रहेगा, सब रंग रलिया पूछ रही हैं पे हम वापस ए माइनर पे आने वाले हैं, और इसके बाद हम अपने वापस पुराने स्ट्रमिंग पैटर्न पे आ सकते हैं जो रहेगा प्यार की कलियां। इसको बेसिकली हमने जो अभी बजाया है ना, सेम कॉर्ड सेम लाइन के साथ पूरा रिपीट हो रहा है, बट थोड़ा सा फास्ट वाली टेम्पो में रिपीट हो रहा है, तो कुछ ऐसा रहेगा, तो सेम पूरी की लाइंस पूरी सेम है, कॉर्ड सेम है, बस वो स्पीड थोड़ा आपको स्पीड में बजाना होगा इस पार्ट को। और मुखड़े की जो लास्ट लाइन आती है, गीत पंघट पर किस दिन गाएगी तू, तो उसकी शुरुआत हम करेंगे अपनी जी कॉर्ड से, और इसको आपको थोड़ा सा थोड़े से एनर्जी के साथ बजाना होगा कुछ ऐसे, गीत पंघट पे किस दिन, तो आपको बस डाउन 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 स्ट्रम करना है, जैसे जैसे गाने की वर्डिंग्स चल रही है वैसे हिसाब से आपको अपनी स्ट्रमिंग भी नीचे डाउन डाउन स्ट्रमिंग चलानी है, गीत पंघट पे किस दिन गाएगी तू पे हम वापस आने वाले हैं अपनी ए माइनर कॉर्ड पे। और ये हो गया आपका एक साइकिल, हमने पार्ट 1, 2 एंड 3 को सीख लिया है, तो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट गाने का बजाना है, तो नेक्स्ट आपका आने वाला है मेरे सपनों की रानी वाला मेन वाला कोरस वाला पार्ट, तो उसमें आपको कॉर्ड्स पता है कैसे बजाना है, ए जी एंड देन बैक टू ए, सेकेंड लाइन में ए जी एंड एफ, थर्ड लाइन में ए जी एंड सी, फिर सी टू जी और जी बैक टू ए, और बाकी के पार्ट्स भी आपके इसी तरीके से पूरे के पूरे रिपीट होने वाले हैं पूरे गाने में, तो आप इसी को प्रैक्टिस करते चलो और आप बेसिकली पूरा गाना सीख जाओगे और काफी मजे से इसको बजा पाओगे। एक और मेरे पास टिप है आपके लिए, जब आप मेन पार्ट बजा रहे हो, जो फर्स्ट पार्ट हमने सीखा था, उसमें स्ट्रमिंग पैटर्न को आपको हल्का सा वेरिएशन करने की आपके हाथ में ऑप्शन है, तो मैं आप बताता हूं कि कैसा आप वेरिएशन कर सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट ठीक है, ऐसा करके आपको करना है, लास्ट वाला जो कॉर्ड आपने देखा ना, जैसे मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, तो जैसे आए, फिर मैं डाउन स्ट्रम को स्किप करके सिर्फ अप स्ट्रम बजा रहा हूं, तो उसमें क्या होता है, जैसे गाने की वर्डिंग्स चल रही है उसी के साथ साथ आपकी स्ट्रमिंग भी काफी मैच हो जाएगी, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो, पूरे गाने में एक बार आराम से सीख लो डाउन अप के साथ, फिर एंड में जब पूरा आपके हाथ में बैठ जाता है तब उसके बाद ये वेरिएशन के साथ आप बजा सकते हो, काफी काफी मजेदार और काफी इजी भी है, तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है आपके हाथ में आ जाएगा। तो गाइज ये था हमारा आज का लेसन, जाने से पहले मैं आपको एक लास्ट चीज बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अगर आपके आवाज के हिसाब से ये गाने का स्केल आपको लो लग रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये केपो को उठा के आप शिफ्ट करना है अपनी नेक के ऊपर, ऐसी पोजीशन पे ले आओ, तो जहां पे केपो शुरू हो रहा है वहीं से हमारी कॉर्ड शुरू होंगी, तो सपोज मैंने एक कदम आगे कर लिया, एक फ्रेट आगे कर लिया केपो को, तो अब मैं अपनी कॉर्ड्स भी एक कदम आगे ही बजाऊंगा, तो कुछ तो ये ट्रिक के थ्रू आप बेसिकली किसी भी की में किसी भी स्केल में सेम कॉर्ड्स के साथ ये सेम पूरा गाना आप बजा सकते हो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर दे देना, अगर आपको ये टिप्स भी अच्छी लग रही हैं तो कमेंट्स में मुझे जरूर बता देना, ताकि मैं और अच्छी ऐसी ऐसी टिप्स भी आपके साथ लाते रहूंगा हर एक वीडियो के एंड की ओर तक, और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो फिर वो भी कमेंट में डाल देना, ऐसे ही अच्छे अच्छे लेसन्स देखना चाहते हो आप तो चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब जरूर कर लो, और मैं आपको नेक्स्ट लेसन पे मिलता हूँ एट सिर्फ यंग आर्टिस्ट, जहाँ वी नर्चर द आर्टिस्ट इन यू।
Thank you.